नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। साथियों, मैं आज आपको बताने जा रही हूं ग्रूमिंग गैंग के जो 6 सदस्य हैं उनको 66 यानी कि 67 साल की सज़ा सुनाई गई है अमेरिका इंग्लैंड में, शायद इंग्लैंड, ये सुनाई गई केनले एरिया में। इन्होंने एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करा। आई थिंक 6 साल की थी या टीन एजर, जो भी थी वो बच्ची थी, उसके साथ इन्होंने बलात्कार करा और उसके बाद उसके साथ अमानवीय कृत्य करे। वही जो है जिस तरह से करते हैं भारत के लिए, तो ये भारत या एशिया के लोगों के लिए तो ये बहुत सुनी हुई बात है कि बॉटल डाल दी या अंदरूनी पाटों को शत विचित कर दिया लड़की का दुश्मन कर्म के बाद। लेकिन ये विदेशियों के लिए बहुत नए किस्म का अपराध था, जैसे कि हमारे वहाँ बलात्कार जिहाद होता है और जिसको हम जिहाद मानते नहीं हैं। हमें लगता है कि ये तो ये ऐसा कर दिया होगा, अपराधी तो अपराधी है, पर हमें ये हम ये बात को स्वीकार नहीं करते कि किसी काफिर की लड़की के साथ इस तरह से करना सबाब का और 72 हूरों के पास जाने का उनको टिकट देता है, और या फिर किसी छोटी लड़की के साथ ये सब करना और वो भी स्पेशली काफिर, ये तो बहुत पुण्य की बात है, उनकी नज़र से सबाब है। उस बात को हम आंखें मूंदते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्होंने ये 2008 और 2009 के बीच में ये कांड करे थे, और एक ही नहीं काफ़ी लड़कियों के साथ, जो सबवे होता है ना नीचे का, वहाँ से होते हुए जो लड़कियाँ शाम को जाती थी करती थी उनको ये, या खेलती भी बच्चों को ये गायब करा करते थे, या छोटी छोटी स्कूलों की लड़कियों को इस तरह से करके लालच कर देकर या कुछ करके उनको बहला फुसला के अपने साथ ले जाते थे, उनके साथ करते थे, इनके बड़े हथकंडे थे। इनको इसको रोमियो जिहाद भी कहा जाता था, जो लड़की फंस जाती थी धर्मांतरण कराना ये कराना, ताकि नीली पीली आंखों वाले बच्चे जो हों उनको बाद में जब आईसीएस वगैरह ट्रेनिंग हो तो ये कहा जा सके, ये एक उनको सिंबलाइज करा जा सके, देखो कि केवल पाकिस्तान का मुसलमान या गल्फ का मुसलमान ही जिहाद नहीं लड़ रहा है, बल्कि तुम में से एक मुसलमान जो है यूरोपियन मुसलमान या अंग्रेज़ी मुसलमान भी हमारे लिए लड़ रहा है। केवल बाहर से आके, एशिया से आके, एशियाई मूल के मुसलमान आके जिहाद की बात नहीं कर रहे काफिरों के अगेंस्ट, बल्कि इनमें से जो मुसलमान बने हैं या तुम जैसे दिखते हैं, हम सब एक जैसे दिखते हैं, मतलब होता है ना कि जहाँ जाओ उनकी बेटियों से शादी करके उनके बच्चे बनाओ, वैसा। तो इसमें जो लोगों को 66 ईयर्स की उनके हॉरिफिक क्राइम के लिए, यानी कि बहुत भयानक कृत्यों के लिए जो उन्होंने करे हैं अलग अलग लड़कियों के साथ इस दौरान में, 2008 से 2009 के दौरान, इसको ग्रूमिंग गैंग कहा गया, जो बलात्कारी गैंग हुआ करता था, लड़कियों के साथ बहुत घिनौने दुष्कर्म करा करता था, छोटी छोटी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर दिया करता था, ड्रग्स की आदत डाला करता था, और कई लड़कियों को तो पता ही नहीं होता था 11-12 साल की वो प्रेग्नेंट है। तो ये जो है बाबर हुसैन, नज़ीर खान, उमार सफदाफ, SAFDAR सफदार, उमार सफदार, कामरान हुसैन, हुसैन बशरत, इमरान शबीर नहीं है, शबीर है विद सिंगल बी। तो बाबर हुसैन, नज़ीर खान, उमार सफदार, कामरान हुसैन, हुसैन बशरत, हुसैन सबीर, ये इन लोगों को 66 ईयर्स की सज़ा हुई है। और ये आई थिंक ये ग्रूमिंग गैंग तो ज़्यादातर इंग्लैंड में ही था, वैसे तो यूरोप में भी सक्रिय था, यूरोप में इसको रोमियो जिहाद कहा जाता है, लेकिन शायद ये वहीं पर है, क्योंकि जो ये घटना मैंने आपको बताई है ये कई पोर्टल्स में मौजूद है, बट मेरा बताने का केवल ये मकसद था आपको कि जानकारी देना। अब इसमें लोग कहेंगे जगह, और जगह कैनले बोला जा रहा है, कैंगले या कैन कैले बोल सकते हैं आप, कैली बोल सकते हैं, KEIGHLEY कैली, आई थिंक कैली, जो भी जगह है ये यूके की कोई जगह होगी मुझे लगता है, क्योंकि ग्रूमिंग गैंग वहीं सक्रिय था। मेन बात ये है कि इन्होंने ये कृत करे हैं, ये सामने लाना और आपको बताना मेरी जिम्मेदारी थी। नाम बिल्कुल बाकी सही है,
क्योंकि बाकी हमारे हम इन नामों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, वो नाम है, बाकी दूसरी कंट्री का जो नाम है कंट्री स्थान मायने नहीं रखता। विदेश की ये घटना है। ग्रूमिंग गैंग लंदन, जहाँ तक मुझे पता है लंदन वगैरह में सक्रिय थे और ऐसे इनके बहुत कार्य थे और मेरे दोस्तों ने भी बताया था, इसलिए वो मैं कह सकती हूँ कि ये यूके का होगा मामला। बाकी आप भी देखिएगा और मेरी कही भी कोई बात झूठ नहीं होती। बाबर हुसैन गिरफ्तार है, नज़ीर खान गिरफ्तार है, उमर सफदार, कमरान हुसैन, हुसैन बशरत, हुसैन शबीर, ये मेन बात है कि इनको 66 ईयर्स की सज़ा हुई है। ये आपको बताना था, काश ऐसी सज़ाएं यहाँ पर भी होती लेकिन फिर ये बिरयानी खाते, इसलिए अच्छा है कि इनको इस तरह की सज़ा हुई है और हमारे भारत में इनको फांसी होनी चाहिए और इस तरह के लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरी सोच है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ऐसी छोटी बच्चियों के अपराधियों के साथ इनको तुरंत मौत की घाट नहीं उतारना चाहिए? क्यों इनको पालना है, क्यों इनको इस तरह की सज़ा देनी है कि ये सोचें कि अरे हम तो कुछ साल जेल में रहेंगे तो क्या हुआ, जेल में ही हम काट लें अपनी ज़िंदगी, फिर जेल में अच्छा बर्ताव करने का नाटक करेंगे, फिर ये छूट जाएंगे, फिर बाहर आके ये लंबी दाढ़ी बढ़ा के दूसरों का जो धर्म है या रिलीजन है उसको ख़त्म करने की षड्यंत्र रखेंगे, मौलाना मुफ्ती बन जाएंगे, क्योंकि फिर कहते हैं कि अल्लाह से तौबा कर ली, ये कर लिया, फिर वहाँ ये कह देते हैं कि अच्छा इसका बिहेवियर इसलिए छोड़ दो। तो इसलिए इनके अपराध ढके नहीं जाने चाहिए ऐसे लोगों को। मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनह्यूमन काम करने वाले के लिए कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और मेरी किसी भी बात का बुरा लगे तो मैं अपने लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई विचार नहीं है, जो जैसी घटना है उसे बताने का विचार है, और अगर किसी जिहादी को बुरा लगता है तो लगता रहे, क्योंकि भाई ये आपके द्वारा आपके लोगों के द्वारा क्या वक्रत है, क्योंकि आप तो बोलते नहीं तो हमें बोलना पड़ेगा, और यहाँ कोई अलतकिया चल नहीं रहा है, जैसी है खरी 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 है और साफ साफ है और मुंह पर है। और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे अभियान को सफल बनाने के लिए मुझे सहयोग करें, छोटा बड़ा कोई सहयोग छोटा नहीं होता, जो भी सहयोग है छोटा बड़ा वो सब करिए, ताकि मैं और मुखाग्र होकर बोल पाऊँ, मुझे पता चले कि मेरे लोग मेरे साथ हैं। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। कृपया वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इनकी कृतियों की जानकारी समूचे विश्व तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ताकि कोई भी इनकी जाल में ना फंस पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।